आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए, एकांत में रहिए। और शांत और एकांत में रहने के लिए हमें कोई एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहां वाकई हम एकांतवास में रह सके, अकेलेपन में नहीं रह सके। ऐसी एक जगह हम आपको ले आए हैं, बस हम पहुंच गए हैं। ये है जटायु वानप्रस्थ सिद्ध सेंटर, जो तिरुवल्लुर चेन्नई तमिलनाडु के पास में है। यहाँ आते ही आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे आप बहुत दिनों से तलाश रहे हैं। इस महामारी के दौर में घर में रहते रहते हम सब जो हैं परेशानी के हालत में हैं, सब कुछ खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, मन में चैन नहीं है, आराम नहीं है, शांति नहीं रही है। जैसे ऋषि मुनि एकांतवास में जाते थे ना, अकेलेपन में नहीं। अकेलेपन और एकांतवास में बहुत अंतर होता है। एकांतवास जो है ऋषि मुनि करते थे जंगलों में, अपनी एक कुटिया में, और वो कुटिया जहाँ पे उन्हें बहुत शांति मिलती थी और जीवन के वो सारे आराम मिलते थे, क्योंकि वो ध्यान मग्न रहते थे, प्रकृति में लीन रहते थे। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सब कुछ आप एकांत में रह करके, यहाँ शांति में पॉल्यूशन फ्री जगह पे रह करके इन सब चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। आप आनंद उठा सकते हैं यहाँ के रहन सहन का। तो चलिए, क्या है, कमरे कैसे हैं, कैसे आप यहाँ रह सकते हैं, क्या है साफ सफाई, सब कुछ देखते हैं। ये वो कमरा है, इस तरह के आपको कमरे मिल सकते हैं। उसके बाद वो बाथरूम है जहाँ पे आपको अपनी दिनचर्या पूरी करनी होती है, नीट एंड क्लीन। सभी लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स भी हैं, सेवक भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सेंटर है जो सेवा प्रदान करता है, आपसे उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता है। बस आपको वहाँ जाना है, मिलना है, या फिर एक नंबर मैं आपको दूंगी, उससे कांटेक्ट करना है। इस एकांतवास में आप अपने शरीर की सारी व्याधियों को भी दूर कर सकते हैं, विकारों को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत सा कमरा है जिसे हम मसाज सेंटर कहते हैं, मसाज रूम कहते हैं। खूबसूरत सी वहाँ भीनी भीनी सी लाइट है, सुगंध है, और हर्बल मसाज आपको दिया जाएगा अगर आप चाहें तो। और इसके लिए वहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर हैं और सेवक हैं जो ये सारा काम पूरा करते हैं। इसके बाद से हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, कोई भी अगर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, कोई भी बात है, किसी को कहना है, तो वो आपके कमरे में जहाँ पे है वहाँ स्पीकर लगा होगा, उस स्पीकर के थ्रू आपको वो जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार फिर से गौर से देख लीजिए अपने शरीर के उन व्याधियों और विकारियों को, अगर विकारों को आप मिटाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रूपा जी से। उनका टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ, फ़ोन नंबर है 9717425929। और उस एकांतवास में रहते रहते आप शाम के वक्त में चाहें तो यहाँ के कोर्ट में आप खेल भी सकते हैं, अगर आप कुछ खेलना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हर तरह के एक छोटा सा जंगल है, एक वन है, इसीलिए वानप्रस्थ नाम रखा गया है इस सिद्ध सेंटर का। हर तरह के आपको हर्बल मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे, और रूपा जी ने कहा कि रेयर नहीं, रेयरेस्ट प्लांट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए, आपको लेमन ग्रास है, कोई एक दो पौधे नहीं लगे हुए हैं, ये सारा कुछ जो लगा हुआ है ना, वो 8 एकड़ की ज़मीन में लगाया गया है, ताकि आपको पूरा आनंद आप अपने ज़िंदगी में एकांत के साथ साथ वन का उठा सकें। जी हाँ, हर तरह की गार्डनिंग यहाँ की जाती है। अभी अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रेन लिली का पौधा। हर सीज़न के प्लांट्स यहाँ लगाए जाते हैं, बाकायदा पूरे इस वन की देखभाल की जाती है, बहुत सारे स्टाफ हैं, और रूपा जी अपनी देख रेख में ही वो सारा कुछ करवाती हैं। एमरस लिली के इस पौधे को देखिए, इसके रंग को देखिए, इसके खूबसूरती को देखिए, दिल नहीं करता कि बस यही वो जगह है जिसे आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे और यहीं पर बैठ जाएं। तो देर नहीं है लगी है, बिल्कुल ही
आपको बस यहाँ तक पहुँचना है और जो नंबर मैंने आपको दिया उस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। जी हाँ, ऐसा ही कहा गया है मुझे कि यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, सिर्फ आपको मिल सकती है यहाँ आपकी मानसिक शांति, एकांत वास। और देखिए किस तरीके से प्यार से छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने यहाँ पे आ जाते हैं ये जानवर, उनकी भी देखभाल होती है और उन्हें भी खाने पीने को सब कुछ मिल जाता है, पोल्यूशन फ्री। जहाँ इतनी हरियाली होगी वहाँ पोल्यूशन किस काम की, रहने ही नहीं दिया जाता है। एक्सोरा के इस प्लांट को देखिए, और हम सब ने छोटी छोटी जगहों में देखा है, अपने छोटे छोटे घरों में पोल्यूशन है, बड़े बड़े शहरों में हम रहते हैं, पोल्यूशन भी है, उसमें हम प्लांट लगा रहे हैं, जितना इन प्लांट से, इन पौधों से, इन फूल पत्तियों से हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना कहाँ मिल पाता है। और ये बिल्कुल, मैंने आपसे ये बात कही कि पोल्यूशन फ्री जगह है, ऑक्सीजन है। और एक्सोरा के आपने एक दो प्लांट तो नहीं देखे ना, सोचिए इतनी लंबाई और चौड़ाई में जहाँ ये वन लगाया गया है उसमें कितनी दूर तक ये प्लांट लगा होगा, और हर तरह के प्लांट। ये देखिए गोरी चोरी कितना खूबसूरत लग रहा है, और रंगों की आपने छटा देखी, बिल्कुल इंद्रधनुषी रंग आपको दिखा। सबसे पहले आपको गुलाबी रंग दिखा, फिर पीच कलर दिखा, फिर अब आपको येलो एलामांडा का ये प्लांट्स दिख रहा है जिसमें कितनी खूबसूरती से फूल खिले हुए हैं। हर तरह के फूल हैं, हर तरह के पौधे, हर तरह की जड़ी बूटी। ये देखिए कस्टर्ड एप्पल है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, नींबू, काजू, कस्टर्ड, सेब, आलमंड, चेरी, वाटर एप्पल, सब कुछ है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फल हैं जो मैं इस वीडियो को देख करके उतना पहचान नहीं पा सकती हूँ, पर हाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। रिलैक्स करने का कोई टाइम नहीं होता है ना, हाँ, रिलैक्स का टाइम वो है जब हम सब सोचते हैं कि इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। सच में अगर हम जीवन की चिंताओं को जीतना चाहते हैं तो इस क्षण में जिए, इस सांस में जिए, और यहाँ आकर के कुछ पल गुजारें, कुछ जिंदगी के अनुभव को प्राप्त करें। जब तक हम इन सब चीज़ों को देखते नहीं हैं, चीज़ों को छूते नहीं हैं, तो नहीं पता चलता है कि ये पानी गर्म है या ये पानी ठंडा है, ये मौसम शीतलता हमें दे रही है कि ये मौसम गर्माहट से भरा हुआ है। बारिश की बूंदें जब हमारे तन मन को भिंगोती है ना, तभी उन बारिश की बूंदों का एहसास होता है। बहुत बार हम अपनी आँखों से भी इन चीज़ों का एहसास कर पाते हैं, दूर रह के भी। तो दूर रह के आप इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए कि आपको वो मौका मिले कि आप भी अपनी मानसिक शांति को और इन्हेंस कर सके। सचमुच में ऐसा तो कहा जाता है कि आराम के लिए घर पर रहने जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ आने के बाद, और ये वादा भी मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि रूपा जी हैं जिन्होंने ये जटायु वानप्रस्थ सिद्ध सेंटर शुरू किया है, उनका कहना है कि आपको घर जैसा ही आराम यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ एक परिवार आपको मिलेगा, वो परिवार जिन्होंने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की है। तो हम देखते हैं बातें करते करते कितने आगे तक निकल आए हैं, 8 एकड़ की ज़मीन में लगे हुए इन सारे पौधों को, इन सारे फूलों को हम सिर्फ आँखों से आनंद ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसे छू नहीं सकते। छूने के लिए, इनका एहसास पाने के लिए आपको यहाँ तक तो जाना होगा, और कैसे जाना होगा, किस तरह से आप पहुँच सकते हैं, किस तरह की वहाँ के जो लोकल सवारियाँ होंगी आपको यहाँ लेकर के जाएंगी, ये सब कुछ जानकारी आपको देंगी रूपा जी। जी हाँ, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, 9717425929। जी हाँ, इस नंबर को लगाते ही आपको एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देगी,
और वो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी दे देंगी कि यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए क्या क्या करना है। साथियों, ये मैं बिल्कुल आपसे ये कह सकती हूँ कि आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हमें हमेशा बड़े बुज़ुर्ग, अपने ऋषि मुनि ज्ञानी जन सब यही कह गए हैं कि हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, एकांत में रहने की कोशिश करनी चाहिए। एकांत में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है पूरी दुनिया से कट जाएं, अकेले किसी एक कमरे में बंद हो जाएं। एकांत तो मन की शांति है, मन से आप एकांत में रह सकते हैं और इन सारे फल फूलों का आनंद उठा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। वाकई बहुत बार जिन चीज़ों के बारे में हमने सिर्फ सुना होता है, जब हम उन्हें देख पाते हैं, उन्हें छू पाते हैं, उनका एहसास कर पाते हैं, तो इससे बड़ा एहसास तो कोई और ज़िंदगी में है ही नहीं। तो बस इसके लिए आपको अपने कदम बाहर निकालने होंगे, मन में फैसला करना होगा और ये सोचना होगा कि हाँ, बहुत हो गया, अब हमें थोड़े दिन के लिए इस वन में चलना है, यहाँ जा कर के यहाँ की खूबसूरती को निहारना है, पेड़ पौधों के बारे में जानना है, अपनी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानना है। हम अगर 8-10 पौधे लगा लेते हैं घर में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इन 8-10 पौधों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने हासिल कर ली है। पर हम ये जानने की कोशिश कर तो सकते हैं ना कि वाकई हमारे इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमें क्या क्या पेड़ पौधे किस किस नाम से दिए हैं, किस किस तरह की खूबसूरती प्रदान की है इन्होंने हम सब के नेचर को। देखिए, एक इतने बड़े दरख्त को आप देख करके एहसास कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस बड़े से दरख्त के जड़ के पास आपको बैठने का मौका मिलेगा। वाकई में किस्से कहानियों में आपने ये सारे इतने बड़े बड़े पेड़ और ये बातें सुनी होगी। तो बस निकल जाइए, जाइए। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जटायु वानप्रस्थ सिद्ध सेंटर, जो कि तिरुवल्लुर चेन्नई तमिलनाडु के पास है, यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे, सारी चिंताओं से मुक्ति आपको मिल जाएगी। जी हाँ, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम 8 एकड़ के इस ज़मीन में लगे पेड़ पौधों को देखते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा 4-5 दिन का वक्त निकालना पड़ेगा, इन्हें छूना और एहसास करना पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ आप सब अपने अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर में लगे पेड़ पौधों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।